हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री फायर गेम फेसबुक में लाइव स्ट्रीम कैसे करें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा कैसे अपने पीसी से, कैसे अपने फेसबुक पर फ्री फायर गेम कैसे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। बहुत ही आसान है दोस्तों, तो सिंपल प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं स्टार्ट गुरु यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कंप्यूटर के डिस्प्ले में आ चुका हूँ और डिस्प्ले में आपको दिखा रहा हूँ। आपको सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है आपको प्ले जो कि आपको क्रोम ब्राउज़र पे मिल जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर जो क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र पे आपको आ जाना है। आप चाहे तो किसी भी क्रोम ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर आपको गूगल पर आपको सर्च करना होगा प्रिज्म लाइव स्टूडियो बोल के। जैसे आपने प्रिज्म लाइव स्टूडियो बोल के आप सर्च करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो प्रिज्म लाइव स्टूडियो बोल के मैंने सर्च किया। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों ऑप्शन आपको दिखा रहा है। एक तो है प्ले स्टोर का, ये प्ले स्टोर का भी ऐप है, ठीक है, वो मोबाइल से किया जाता है। और ये इसके नीचे है प्रिज्म लाइव स्टूडियो, ठीक है, ये है आपको डेस्कटॉप के लिए, डेस्कटॉप या पीसी लैपटॉप इनके लिए, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा अपने पीसी में, तो इसमें मैं विजिट करता हूँ। तो इसमें जैसे मैं आप विजिट करेंगे, आपको कुछ इस तरह का वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सिंपली इसको आपको डाउनलोड कर लेना होता है, ठीक है। तो डाउनलोड का कैसे करेंगे, डाउनलोड देखिए यहाँ पर नीचे आपको डाउनलोड ना बोल के ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपली आपको डाउनलोड में आपको क्लिक कर देना होगा, डाउनलोड होने स्टार्टिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करना और इसके बाद इंस्टॉलिंग जो प्रोसेस है ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। कैसे आप सॉफ्टवेयर को कैसे रन करते हैं ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हूँ, इसके बाद मैं सिंपली इसी जो सॉफ्टवेयर को मैं ओपन कर लूँगा। तो ये रहा, मैंने सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी मैं ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है सॉफ्टवेयर फर्स्ट इंटरफेस, जैसे अपने इंस्टॉल करते हो और ओपन करते हो तब आपको कुछ इस तरह का दिखाता है। यहाँ पर आपको फर्स्ट में आपको लॉग इन करना होता है। तो मैं यहाँ पर फेसबुक में लाइव स्ट्रीम करूँगा, इसलिए मैं फेसबुक से ही लॉग इन करूँगा। तो एक बार मैं फेसबुक में टच कर देता हूँ और फटाफट से हमारा जो जीमेल ईमेल आईडी और पासवर्ड या मोबाइल नंबर पासवर्ड जो भी है मैं फटाफट से यहाँ पर दे दूंगा। तो गाइस, जैसे अपने प्रिज्म लाइव स्टूडियो सॉफ्टवेयर को अपने लॉग इन कर लेते हो, अपने फेसबुक से या जीमेल आईडी से जो भी लॉग इन कर लेते हो, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाइव स्ट्रीम करने के लिए फ्री फायर गेम फेसबुक में, तो आपको यहाँ पर एक सीन को क्रिएट करना होता है और एक बार यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना होता है कि किस में आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, क्योंकि लॉगिन करना अलग बात है और किस में लाइव स्ट्रीम करेंगे वो चैलेंज को ऐड करना वो अलग बात है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माय जो चैलेंज है, चैलेंज में अगर आपने क्लिक करेंगे, चैलेंज पर अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐड चैनल, तो ऐड चैलेंज पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा जाएंगे आप यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम करेंगे या फेसबुक पर या किस में लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो मैं फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम करूँगा, इसलिए मैं फेसबुक में टच करूँगा, ठीक है। फेसबुक में टच करते ही यहाँ पर आपको और एक बार लॉगिन कर लेना होगा, ठीक है। तो फटाफट से मैं और एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, ये फाइनली लॉगिन है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने यहाँ पर फेसबुक से लॉगिन कर लिया हो, और फेसबुक से लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली हमारा जो अकाउंट है यहाँ पर आ चुका है और ऑनलाइन पे यहाँ पर दिखा रहा है राकेश दास जी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी पब्लिक है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो माय चैनल है यहाँ पर जो थ्री डॉट है, थ्री डॉट में क्लिक करके यहाँ पर जो ऐड चैनल है, ऐड चैनल पर क्लिक करके हमने जो कि ऐड किया हो। तो आप चाहे तो यहाँ से और भी चैनल को ऐड कर सकते हो, अगर आप यूट्यूब का चैनल है तो यूट्यूब का चैनल भी ऐड कर सकते हो। तो मैं फिलहाल तो फेसबुक पर फ्री फायर गेम लाइव स्ट्रीम करूँगा, सिर्फ मैं एक ही चैनल को ऐड करना चाहता हूँ, यूट्यूब में बाद में करूँगा। तो अभी मुझे लाइव स्ट्रीम फेसबुक में करने के लिए एक सीन क्रिएट करना पड़ेगा, वो है ये सीन। तो आप प्लस वाला आइकन में क्लिक करके सीन को क्रिएट कर सकते हो, सीन का नाम 1 2 3 जो भी आप नाम दे सकते हो। तो एक एक सीन पर एक एक जो कि आप काम कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों, मैं इसी फर्स्ट वन वाला सीन में, मैं यहाँ पर वन वाला जो सीन है इसी सीन में मैं कुछ ऐड करूँगा, सोर्सेस ऐड करूँगा। सोर्सेस बोले तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन में क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको बताना होता है कि लाइव स्ट्रीम के अंदर आपको क्या क्या जाएगा, कि मोनिटर की स्क्रीन को लाइव होगा, साउंड जाएगा, साउंड नहीं जाएगा, ये सब बताना होता है। तो सबसे पहले तो बात यह है, मैं यहाँ पर मोनिटर ऑप्शन जो कि आप देख सकते हो, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सीन क्रिएट कर लिया, इसके बाद हमने सोर्सेस में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सब ऑप्शन यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो आपको सिंपली मॉनिटर पे क्लिक करना होगा, मॉनिटर के क्लिक करके यहाँ पर मॉनिटर कैप्चर फुल, आप चाहे तो
छोटा छोटा करके पार्ट भी कर सकते हो, या फुल जो मॉनिटर की जो फुल स्क्रीन है उसको भी आप मॉनिटर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर मॉनिटर कैप्चर फुल में क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं ओके में सिलेक्ट करूँगा और ये हो गया टोटल। ये टोटल आप यहाँ पर दिखा रहा है एलडी मॉनिटर जो कि 1080 में जो कि मॉनिटर हमारा जो कैप्चर होगा। इसके बाद ओके में हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा मॉनिटर कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मॉनिटर के अंदर मैं जो भी करूँगा वो लाइव में दिखाई देगा। तो इसके बाद और भी कुछ सीन जो साउंड को भी आपको ऐड करना पड़ेगा, साउंड को ऐड करने के लिए अभी फिर से दोबारा प्लस वाला आइकन में क्लिक कीजिए, सोर्स का प्लस वाला आइकन में क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको जो माइक है यहाँ पर देख सकते हो, तो ऑडियो माइक जो कि मैंने ऑलरेडी एक माइक है माइक में पीसी के पीछे में लगा के रखा हुआ। अगर आपके लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो जो माइक या हेडफोन आपने लगा के रखा हो तो उसको आप यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना। तो माइक और ऑडियो ऑप्शन में आप आ जाना सबसे पहले। इसमें आ जाने के बाद आपको यहाँ पर माइक का भी आप नाम भी दे सकते हो, माइक ऑडियो ऐसा करके जो भी नाम आपके पहचान के लिए आप दे सकते हो। तो मैं जो है वैसे रहूँगा। इसके बाद ओके में क्लिक करूँगा और ओके में क्लिक करते हैं आपको डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट में क्लिक करके आपने जो भी अपने है लाइन इन है या हेडफोन गेमिंग हेडफोन जो भी है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा तो उसी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो मेरे को है लाइन इन रिलेटेड जो ऑडियो है मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और नीचे ओके में क्लिक करूँगा। तो ये हमारा जो भी हम ऑडियो देंगे कंप्यूटर में, जो भी हम माइक में ऑडियो देंगे, ठीक है, तो ये जो माइक में जो भी हम बोलेंगे वो लाइव स्ट्रीम पर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद और एक सीन हम क्रिएट करेंगे जो कि आउटपुट देना भी होगा कंप्यूटर के अंदर, जो भी फ्री फायर के साउंड होगा, फ्री फायर जो कि एक्शन होगा वो भी तो लाइव स्ट्रीम पे जाना चाहिए, वो भी यहाँ पर बताना होता है, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें बताना होता है, ठीक है। तो सिंपली हम प्लस वाला आइकन में क्लिक करेंगे और इसके बाद हम आउटपुट में जाएंगे। ये देखिए नीचे है आउटपुट, ऑडियो आउटपुट कैप्चर, मतलब कंप्यूटर से जो बाहर आ रहा है ऑडियो वो, तो यहाँ पर हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो आउटपुट, तो इसमें हम ओके में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट में आपको सिलेक्ट करना होगा जो स्पीकर हमने जो स्पीकर में बजेगा, मतलब कंप्यूटर से हमारा जो ये देखिए स्पीकर हम यहाँ पर ऑलरेडी लगा के रखा हो, ठीक है, तो इसी स्पीकर में जो बजेगा वही लाइव स्ट्रीम पर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर स्पीकर रिलेटेड ऑडियो में हम सिलेक्ट करेंगे और ओके में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है, और टोटली मैं भांगा के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आउटपुट कैप्चर ऑडियो और जो ऑडियो कैप्चर और मॉनिटर कैप्चर, ठीक है। इसके बाद और एक बार हम सोर्स जो प्लस वाला आइकन में क्लिक करेंगे, सोर्स इसका प्लस वाला आइकन में, इसमें क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो हमारा जो ग्राफिक कार्ड का जो साउंड है वही, मतलब जो ग्राफिक कार्ड से आ रहा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर ऑडियो आउटपुट में एक बार जाएंगे। ऑडियो आउटपुट में अगर आपके ग्राफिक कार्ड है तो अब आपको ये सिलेक्ट करना जरूरी है। तो इसके बाद ओके में हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट में हम सिलेक्ट करेंगे एल फुल एच डी निमीडिया हाई डिफरेंट ऑडियो, तो इसको भी हम टच कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे ओके में सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया टोटल हमारा जो कि काम के सब कुछ हमने सेटिंग कर लिया, जो हमारा मॉनिटर है उसको सेटिंग किया, ऑडियो को सिलेक्ट किया, जो भी कंप्यूटर से फ्री फायर हम खेलेंगे तो जो साउंड को बाहर आएंगे उसको भी हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो टोटल हमने सेटिंग कर लिया। आखिर इसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पर जो गो वाला ऑप्शन है, ठीक है, गो लाइव वाला ऑप्शन में जैसे मैं क्लिक करूँगा अभी ये लाइव होना भी स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटली यहाँ पर हेलो 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 जो भी आप बताएंगे यहाँ पर जो कि हो जाएगा लाइव, ठीक है। तो अभी मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ, देखिए रुको, तो लाइव करूँगा तो सिंपली मैं अभी। और दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है इस सॉफ्टवेयर के मदद से आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर गो लाइव में क्लिक कर दूंगा। गो लाइव में यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर आपको पूछा जाएंगे टाइटल डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे फ्रेंड लोग क्या आते हैं डिस्क्रिप्शन में पेटीएम नंबर वगैरह भी दे देता है, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में पेटीएम नंबर वगैरह भी दे सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और टाइटल में आप दे सकते हो फ्री फायर गेम लाइव स्ट्रीम FREE। तो टोटली मैं यहाँ पर दे दिया हूँ फ्री फायर लाइव, टाइटल में दे दो फ्री फायर लाइव। तो आप चाहे तो टाइटल में एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सर्च टैग में भी आप दे सकते हो फ्री फायर गेम लाइव, ठीक है। तो ये रैंकिंग में सुविधा होता है फेसबुक के लिए। इसके बाद सिंपली आपको नीचे गो लाइव बोल के जो ऑप्शन है, सिंपली गो लाइव ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा,
जैसे आपने गो लाइव में क्लिक कर देंगे बस ये टोटली लाइव होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ सर जो कि टोटल आप मिनिमाइज़ कर दीजिए, क्रॉस में मत क्लिक कीजिए नहीं तो कट हो जाएगा। तो सिंपली इसको आप मिनिमाइज़ कर दीजिए और इसके बाद आप फ्री फायर गेम को यहाँ से आप ओपन कर लीजिए, या तो पहले से ही आप फ्री फायर गेम को ओपन करके रखिए, ठीक है, फ्री फायर गेम को और स्टार्टिंग करके रखिए। और जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्ट बटन को दबाएंगे उसके साथ साथ आप टोटली फ्री फायर गेम को खेलना भी स्टार्ट कर दीजिए। आप टोटली जो कुछ भी करेगा वो टोटली आप फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम होता रहेगा। तो मैं फिलहाल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फेसबुक पर, अगर मैं देखता हूँ अगर फेसबुक है मेरे पास तो फेसबुक में मैं एक बार जाता हूँ, मैं आपको एक बार लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि लाइव स्ट्रीम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो फेसबुक है, ये रहा फेसबुक, तो फेसबुक में गया तो ये देखिए यहाँ पर टोटली आपको लाइव आपको देखने को मिला, ये रहा हमारा फेसबुक। तो देखिए यहाँ पर लाइव हो रहा है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने इसको ओपन किया तो एक बंदा देख रहा है, तो ये भी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, इसका साउंड है ये, ठीक है। तो जो कुछ भी मैं यहाँ पर दिखाऊँ, देखिए अभी फेसबुक में आ गया तो फेसबुक ही यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड कुछ हिसाब से काफ़ी आसान से अपने फ्री फायर गेम फेसबुक में लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, वीडियो पसंद आएंगे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर अपने चैनल पे नया है चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साइड में बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए, हो सके तो उसके लिए भी अलग से वीडियो भी बना दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।